ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। मैंने बाला साहब को निकट से देखा है, उनके मन को दिल को छू करके मैंने देखा है। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार में चारा चोरी में जेल भुगत रहे व्यक्ति को कंधे में बिठा के घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं, ऐसे पापियों को लेकर के जिनको चलना पड़ रहा है, इन लोगों के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे उनको जमीन में गाड़ने के सपने दिख रहे हैं। ये लोग जनता का साथ, जनता का विश्वास तो गंवा चुके हैं। इनकी अपनी सियासी जमीन खिसक चुकी है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता, मेरे माताएं बहने इतनी बड़ी तादाद में जो आई है ना, ये मेरी माताएं बहने यही मोदी की रक्षक है। ये मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच है, मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है, ये लोग चाह कर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे।